दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर, और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य या फिर किस्मत, और फेवर का मतलब होता है किसी का पक्ष लेना, किसी का साथ देना, और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, मतलब कि भाग्य बहादुर का साथ देता है। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन एंशियंट टाइम्स वंस अ किंग हैड अ बोल्डर प्लेस इन द मिडिल ऑफ अ रोड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, और जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहां पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इन एंशियंट टाइम्स, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, मतलब प्राचीन समय में, वंस एक बार, अ किंग एक राजा, हैड अ बोल्डर प्लेस इन द मिडल ऑफ अ रोड। क्या मतलब हुआ कि एक राजा ने रोड के बीच में, मतलब सड़क के बीच, मिडल ऑफ द रोड मतलब कि सड़क के बीच में एक बोल्डर रखवा दिया। दोस्तों बोल्डर का मतलब होता है एक बहुत बड़ा पत्थर, जिसे बोल्डर कहा जाता है इंग्लिश में, तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, बोल्डर का मतलब होता है बड़ा पत्थर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार प्राचीन समय में एक राजा ने रोड के बीच में, या कह सकते हैं सड़क के बीच में, एक बड़े पत्थर को रखवा दिया। Then he hid himself to see if anyone would remove the huge rock. क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये past indefinite का affirmative वाक्य है, और जब हम past indefinite में कोई भी affirmative का वाक्य बनाते हैं तो वहां verb की second form का प्रयोग किया जाता है। H-I-D-E hide होता है, जिसका मतलब होता है छुपना या फिर छुपाना, और ये उसकी second form है hid। तो क्या मतलब हुआ? Then फिर he hid himself, उसने खुद को छुपा लिया, टू सी ये देखने के लिए, इफ की यदि, इफ एनीवन वुड रिमूव कि क्या कोई भी व्यक्ति इसे रिमूव करेगा या फिर हटाएगा, द ह्यूज रॉक, इस मतलब कि ह्यूज मतलब बड़ा, रॉक मतलब कि कोई बड़ा पत्थर, चट्टानी पत्थर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने, फिर उसने खुद को छुपा लिया ये देखने के लिए कि क्या कोई भी इस बड़े पत्थर को, इस बड़ी चट्टान को हिलाएगा या फिर कह सकते हैं हटाएगा। चलिए आगे देखिए। सम ऑफ द किंग्स वेल्दीएस्ट मर्चेंट्स एंड कोर्टियर्स पास्ड बाय एंड सिंपली वॉक्ड अराउंड इट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहां किंग के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, और एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, जब आप किसी के साथ कोई जोड़ना चाहते हैं तो वहां पर एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। सम ऑफ द किंग्स वेल्दीएस्ट, और वेल्दीएस्ट का मतलब होता है बहुत अमीर, मतलब कि राजा के कुछ जो बहुत अमीर व्यापारी थे, वेल्दीएस्ट मर्चेंट्स एंड कोर्टियर्स और दरबारी, पास्ट बाय मतलब कि वो वहां से पास्ट बाय वो वहां से गुजरे, एंड सिंपली और वो आसानी से वॉक्ड अराउंड इट, उसके पास से गुजर कर चले गए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि राजा के जो बहुत ही अमीर जो व्यापारी थे और जो दरबारी थे वो वहां से गुजरे, और वो बहुत आसानी से उसके पास से, वॉक अराउंड इट उसके पास से होकर गुजर कर चले गए। चलिए आगे देखिए। मैनी लाउडली ब्लेम्ड द किंग फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लियर। क्या मतलब हुआ? मैनी लाउडली ब्लेम्ड, लाउडली का मतलब होता है जोर से, और ब्लेम का मतलब होता है किसी को दोष देना, किसी पर आरोप लगाना, मतलब कि मैनी लाउडली ब्लेम्ड द किंग, मतलब जो कई लोग थे जिन्होंने
लाउडली मतलब ऊंची आवाज में ब्लेम किया, दोष दिया द किंग राजा को, किस चीज के लिए, फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लियर, मतलब कि सड़कों को क्लियर ना मतलब साफ ना रखने के लिए उन्होंने राजा को बहुत ही ऊंची आवाज में लाउडली मतलब लाउडली दोष दिया, राजा को उन्होंने ब्लेम किया। बट नन डिड एनीथिंग अबाउट गेटिंग द स्टोन आउट ऑफ द वे, क्या मतलब हुआ, नन का मतलब था कोई भी, बट नन डिड एनीथिंग, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया अबाउट गेटिंग द स्टोन आउट ऑफ द वे, मतलब किसी ने कुछ भी नहीं किसी ने कुछ भी नहीं किया, किस चीज के बारे में, अबाउट द स्टोन मतलब पत्थर को, गेटिंग द स्टोन आउट ऑफ द वे मतलब कि पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। चलिए आगे देखिए, देन अ पेजेंट केम अलोंग कैरिंग अ लोड ऑफ वेजिटेबल्स, क्या मतलब हुआ, पेजेंट का मतलब होता है किसान, किसान को पेजेंट भी कहा जाता है और इसे फार्मर भी कहते हैं, तो क्या मतलब हुआ, देन फिर अ पेजेंट, एक जो पेजेंट था, एक किसान था, केम वो आया, अलोंग कैरिंग अ लोड ऑफ वेजिटेबल्स, कैरी का मतलब होता है ढोना और लोड का मतलब वजन, वेजिटेबल्स मतलब कि जो एक किसान था वो आया, किस चीज के साथ आया, अलोंग विद कैरिंग ए लोड ऑफ वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों के बोझ को ढोता हुआ एक किसान वहां पर आया। अपॉन अप्रोचिंग द बोल्डर, अप्रोच का मतलब होता है किसी चीज के पास जाना, किसी चीज के पास पहुंचना, उसे अप्रोच कहा जाता है, अपॉन अप्रोचिंग द बोल्डर मतलब पत्थर के उस बड़े विशाल पत्थर के पास पहुंचने के बाद, पहुंचने पर, द पेजेंट लेड डाउन हिज, द पेजेंट लेड डाउन इज बर्डन, ले डाउन का मतलब होता है नीचे रख देना, तो उसका क्या मतलब हुआ, द पेजेंट लेड डाउन इज बर्डन मतलब उस किसान ने अपने बर्डन को, बोझ को नीचे रख दिया, एंड ट्राइड टू मूव द स्टोन, और उसने कोशिश की, टू मूव हिलाने की, द स्टोन उसने पत्थर को हिलाने की कोशिश की, टू द साइड ऑफ द रोड मतलब रोड के एक तरफ उसने उस पत्थर को हिलाने की कोशिश की। चलिए आगे देखिए, आफ्टर मच पुशिंग ही फाइनली सक्सीडेड, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, SUCCEDED, सक्सीड का मतलब होता है किसी काम में सफल होना, और ये सेकंड फॉर्म है सक्सीडेड, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आफ्टर मच पुशिंग मतलब कि आफ्टर मच पुशिंग देर तक धक्का देने के बाद, ही फाइनली सक्सीडेड मतलब वे अंत में, आखिरी में, वो आखिर में या कह सकते हैं अंत में वे सफल हो गया। चलिए आगे देखिए, आफ्टर द पेजेंट पिक्ड अप हिज लोड ऑफ वेजिटेबल्स ही नोटिस्ड अ बॉक्स लाइंग ऑन द रोड वेयर द बोल्डर हैड बीन, क्या मतलब हुआ, आफ्टर द पेजेंट पिक्ड अप हिज लोड मतलब कि जब पेजेंट ने, किसान ने पिक्ड अप हिज लोड अपने जो वजन को उठा लिया ऑफ वेजिटेबल्स सब्जियों के, ही नोटिस्ड अ बॉक्स, नोटिस का मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान जाना, किसी चीज पर ध्यान देना, और ये सेकंड फॉर्म है, ही नोटिस्ड अ बॉक्स, उसने एक बॉक्स पर, उसने एक संदूक पर ध्यान गया उसका, उसने ध्यान दिया, लाइंग जो कि पड़ा हुआ था, ऑन द रोड सड़क पर, वेयर जहां द बोल्डर हैड बीन जहां पर जो बोल्डर था, जो बड़ा पत्थर था वो पड़ा हुआ था, उस पर उसका ध्यान गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि आफ्टर द पेजेंट पिक्ड अप हिज लोड ऑफ वेजिटेबल्स मतलब जब किसान ने अपने जो उसके सब्जियों का जो बोझ था जब उसने उसको उठा लिया, ही नोटिस्ड अ बॉक्स लाइंग ऑन द रोड मतलब उसने एक बॉक्स पर ध्यान दिया, या उसका कह सकते हैं उसका एक बॉक्स पर ध्यान गया जो कि रोड पर पड़ा हुआ था, वेयर द बोल्डर हैड बीन जहां पर वो बड़ा पत्थर रहा था, जहां पर वो बड़ा पत्थर पड़ा रहा था। चलिए आगे देखिए, और दोस्तों यहां पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, इस चित्र के अंदर ये जो किसान है वो किसी बड़े पत्थर को हिला रहा है, और जो राजा साहब है वो पीछे से देख रहे हैं उसको, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जब उसने उस बड़े बोल्डर को, पत्थर को उसने जब हटा दिया वहां से, तो वहां पर एक छोटा सा संदूक भी वहां पर पड़ा हुआ था। चलिए आगे देखिए, द बॉक्स कंटेन्ड मैनी गोल्ड कॉइन्स एंड अ नोट फ्रॉम द किंग, क्या मतलब हुआ दोस्तों, कंटेन का मतलब होता है किसी चीज में, किसी चीज का कुछ होना, उसे कंटेन कहा जाता है, जब किसी भी
चीज के अंदर कुछ होता है उसको कंटेन कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, द बॉक्स कंटेन्ड मैनी गोल्ड कॉइन्स, मतलब जो बॉक्स था, जो संदूक था, उसके अंदर कई सोने के सिक्के थे। एंड अ नोट, और एक नोट था, मतलब एक चिट्ठी थी, फ्रॉम द किंग, राजा की तरफ से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उस बॉक्स के अंदर कई सारे सोने के सिक्के थे और एक राजा की तरफ से उसमें एक चिट्ठी थी, एक पत्र था। द नोट सेट, और जो नोट था, वो जो पत्र था, उसमें ये था, दिस पर्स ऑफ गोल्ड बिलोंग्स टू द पर्सन हु स्टॉप्स टू रिमूव द बोल्डर दैट इज ब्लॉकिंग एवरीवन्स वे। क्या मतलब हुआ, उस नोट पर क्या लिखा था कि दिस पर्स ऑफ गोल्ड, मतलब ये जो पर्स है, ये जो बटुआ है, किस चीज का, ऑफ गोल्ड, सोने का, बिलोंग्स टू द पर्सन, ये उस व्यक्ति को बिलोंग करता है, या ये उस व्यक्ति का है, हु स्टॉप्स, जो कि रुकता है, टू रिमूव, हटाने के लिए, द बोल्डर, इस पत्थर को, दैट इज ब्लॉकिंग, ब्लॉक का मतलब रोकना, जो कि रोक रहा है, एवरीवन्स वे, जो हर सबके रास्ते को रोक रहा है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि उस नोट में क्या लिखा था कि ये जो सोने का, मतलब ये जो पर्स है, जो थैला है सोने का, वो उस व्यक्ति के लिए है, या उस व्यक्ति को संबंधित है, उस व्यक्ति के लिए है, जो व्यक्ति रुकता है उस बड़े से पत्थर को हटाने के लिए, जो सबका रास्ता रोक रहा है। चलिए आगे देखिए। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का मॉरल क्या है, एवरी ऑब्स्टेकल प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव आवर कंडीशन। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा, और प्रेजेंट का मतलब होता है किसी चीज को प्रस्ताव करना, किसी चीज को देना। एवरी ऑब्स्टेकल प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी, मतलब कि हर जो बाधा होती है वो एक अवसर प्रदान करती है, किस चीज का, टू इम्प्रूव आवर कंडीशन, हमारी स्थिति को बेहतर करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, वो एक अवसर के रूप में प्रदान करती है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि जीवन में हमारे जो भी बाधा आती है, कोई भी जो बाधाएं आती हैं, वो एक तरह से एक अवसर होती हैं। किस चीज के लिए अवसर होती हैं, टू इम्प्रूव आवर कंडीशन, हमारी स्थिति को सुधारने के लिए वो हमें एक अवसर प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी का सार है और जो मॉरल है, बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि राजा साहब ने वहाँ एक बड़ा सा पत्थर इसलिए रखवाया था क्योंकि वो देखना चाहते थे कि कौन व्यक्ति उस वहाँ पर रुकेगा और उस बड़े से पत्थर को हटाएगा। और वहाँ से कई लोग निकले, लेकिन वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रुका। ज़्यादातर लोग सिर्फ राजा की बुराई करके वहां से चले गए कि राजा साहब ने मतलब कि रोड को साफ नहीं रखा है। लेकिन जब एक व्यक्ति आया जो किसान था, वो उसने उस पत्थर को हटाया और परिणाम स्वरूप उसको वहां पर एक इनाम भी मिला। तो दोस्तों, ये आज की छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं जो भी आपकी कहानी के बारे में राय हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।